आप में से कितने लोग हैं जो अपनी आमदनी और अपने टाइम का सिर्फ 5% अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं? मैं सिर्फ 5% की बात कर रहा हूँ, अपनी आमदनी और अपने टाइम का। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ साहब, मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी या इनकम, मिसाल दे रहा हूँ 20,000 है, 20,000 का 5% कितना बनेगा? 1,000। जैसे ही आपको सैलरी मिलती है आप जाके 1,000 रुपये की बुक्स लेते हैं, किसी सेमिनार पे जाते हैं, किसी प्रोग्राम में जाते हैं, अपने आप को डेवलप करने के लिए उस सैलरी का वो हिस्सा जो है आप वहाँ खर्च करते हैं। देन 5% ऑफ योर टाइम, कितने घंटे हैं आपके पास? 24 घंटे हैं, 24 घंटे हैं ना, 24 घंटे का 5% कितना बनता है? 120 मिनट, 2 घंटे, 1.5-2 घंटे। अब आप अपने लर्निंग के ऊपर, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए मुसलसल टाइम इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं करते? टाइम ही नहीं होता मेरे पास, है ना, टाइम तो नहीं होता हमारे पास। अगला क्वेश्चन, टीवी तो आपने देखना है बैठे हैं, आप एंटरटेनमेंट चैनल देखते हैं, आप न्यूज चैनल देखते हैं या एजुकेशनल चैनल देखते हैं? ये भी तो चॉइस है ना आपकी। आप टीवी पर जो चीज देख रहे हैं वो प्रेडिक्ट करती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो अगर आप आगे जाना चाहते हैं, ऊपर जाना चाहते हैं, तो कम से कम अपने आप से ये कमिटमेंट करें कि आज के बाद आप कंटिन्यूसली अपने, देखिए वैसे भी कहते हैं कि वो क्या है, माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत एक हदीस है कि खसारे में है वो शख्स जिसका आज गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं। क्या मतलब है इसका? कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है ना कि रोजाना। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि मैं जब किसी बुजुर्गों की किताबें पढ़ता हूँ ना, वहाँ पर लिखा होता है 25 साल की उम्र में, 28 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली। मुझे हंसी आ जाती है, किसी शेख साहब को आ गई हंसी, भाई तालीम भी कभी मुकम्मल हुई है? आपने पढ़ी है ऐसी कहानियां, तालीम मुकम्मल करने के बाद कभी लिखा होता है कि तालीम मुकम्मल करने के बाद? तो तालीम तो कभी मुकम्मल नहीं होती, लिखने वाले को सोचना चाहिए। हाँ वो लिखे कि वो ये वाली तालीम, एकेडमिक तालीम मुकम्मल करने के बाद, डिग्री मुकम्मल करने के बाद, वो लिखा होता है कि तालीम मुकम्मल करने के बाद। सर इसमें फिर वो जो आपने पहले बताया था कि सक्सेस की सबसे बड़ी कीमत लोनलीनेस, ये वो तो है, वो पे करनी, वो मैं कर रहा हूं ना, बाकी मुझे नहीं पता, वो तो मेरी प्राइस है, बाकियों को भी करनी पड़ती है। नहीं सर, ये वो भी है ना, लर्न अनलर्न और रीलर्न, वो ये कंडीशन आ जाती है। बिल्कुल है, आप सब सही कह रहे हैं। आप है वो बुनियादी पत्थर जो अपनी टीम का, अपनी सोसाइटी का और अपने फ्यूचर की सक्सेस का जो कॉर्नर स्टोन है, जिसकी पूरी बिल्डिंग बननी है सक्सेस की, आपकी सोसाइटी की, आपकी फैमिली की। वो पत्थर कौन है? वो पत्थर आप है। तो अगर वो पत्थर बेहतर होगा तो तभी आपकी टीम बेहतर होगी।